हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक मसीह जीवन की, एक प्रभु में व्यक्ति को चलने के बारे में, यानी कि वचन के अनुसार जीवन जीने के बारे में, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आराधना करना भी बहुत ज़रूरी है, वचन को पढ़ना भी, और साथ ही साथ आराधना का जीवन और प्रार्थना का जीवन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार प्रार्थना कैसे करें उस पर वीडियो बनाया है, वचन को कैसे पढ़ते हैं उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियोस मैंने बनाए जिस पर मैंने बताया कि आराधना कैसे करना है। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आराधना के ऊपर। अगर आप एक मसीह हैं और आप चर्च जाते हैं और आराधना करते हैं, या अपने परिवार में, कलीसिया में, कहीं पर भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप जिस आराधना को आराधना समझ के कर रहे हैं, जिन गीतों को आप इसलिए गा रहे कि प्रभु की महिमा हो रही है, असलियत में वो परमेश्वर की महिमा है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रार्थना का जीवन और आराधना का जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। आराधना कभी भी गीत गाना, उछल कूद करना नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, चर्च में गए, वहां जाके खूब उछल कूद मचा रहे, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे, क्या वो परमेश्वर की आराधना है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ होना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा के द्वारा होना बहुत जरूरी है, वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वो तरीका है जिससे आप एक आत्मिक आराधना कर सकते हैं। सांसारिक दिखावटी आराधना आजकल बहुत चर्च में होता है। आप देखिए, बहुत सारे चर्चों में क्या होता है, लोग फेमस सिंगर को लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुलपिट पर, यानी कि स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और आराधना को लीड कर रहे होते हैं, और लोग जो सामने खड़े होकर, परमेश्वर को आराधना देने वाले लोग खड़े होकर उस व्यक्ति के गानों को सुनकर बहुत आनंदित हो जाते हैं कि कितना अच्छा ये गाता है, कितने अच्छे इसके स्वर हैं, इसके आवाज कितनी अच्छी है, ये कितना सुंदर दिखता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को देखकर जब आप आराधना कर रहे होते हैं तो वो आराधना परमेश्वर के लिए नहीं है, क्योंकि आप उस लीड करने वाले व्यक्ति जिसने आराधना को आगे बढ़ा रहा है, जो व्यक्ति सामने खड़े होकर आपको गीत गाना सिखा रहा है, गीत गाने का बताकर आपको बोल रहा है कि परमेश्वर की आराधना करो, अगर आप उस व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं, उसके टैलेंट को देख रहे हैं कि वो कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है, उसके अनुसार आप खुश होकर आराधना कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की आराधना नहीं है, वो एक मनुष्य की आराधना हो रही है। लेकिन अगर आप उसी गीत को दिल से प्रभु को याद करते हुए आराधना करते हैं तो वो आराधना होती है। एक चीज मैं आपको वचन के द्वारा समझाने वाला हूं। हम भजन संहिता और उसका 30 अध्याय को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए 30 अध्याय में दाऊद राजा यहाँ पर प्रार्थना, धन्यवाद का प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं आपको महिमा दूंगा, क्यों? क्योंकि आपने मुझे हारने नहीं दिया शत्रु के सामने, आपने मुझे वहां से खींच कर निकाला है। मेरे जो शत्रु है, यानी जो शैतान है, वो मुझ पर हंस नहीं सकता कि मैं हार गया हूं, क्योंकि आपने मुझे बचा कर रखा है। इस बात को राजा दाऊद याद करते हुए प्रभु को महिमा दे रहे हैं। जब आप आराधना करने चर्च में जाते हैं, जब अपने हाथों को उठाकर यीशु को महिमा दे रहे होते हैं, तो आपके बुद्धि में, आपके अंदर परमेश्वर का धन्यवाद जीवन है या नहीं है, वो होना बहुत जरूरी है। क्या आप उस समय आराधना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाकी सारे लोग चर्च में चिल्ला रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो आपको भी गाना चाहिए? अगर आप इस तरह से आराधना कर रहे हैं, वो आत्मिक आराधना नहीं है। क्योंकि दाऊद जब भी प्रभु के लिए आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर के उस महान कार्य को जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, उसे याद करके कर रहे थे, उसको याद करके प्रभु को महिमा दे रहे थे। मेरे प्रियो, इसी के अध्याय के अगर हम 3 आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता 30 अध्याय के 3 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है, इसीलिए परमेश्वर मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। क्यों आराधना कर रहा हूं? क्योंकि आपने ही मेरे प्राणों को अधोलोक से निकाला है, अनंत काल के नरक की ओर जा रहा था, परंतु आपने मुझे बचाया है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।
और इस बात को याद करके दाऊद परमेश्वर को महिमा दे रहा है। जब आप परमेश्वर को महिमा देते, क्या आपके मन में वो बातें आती हैं कि किस परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको निकाला, कहां से परमेश्वर आपको लेकर आए, और कैसे आप शैतान के चंगुल में थे, कैसे आप नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ के अधोलोक से निकाला और वो स्वर्ग की ओर आपको लेकर जा रहा है। क्या उसको याद करके कभी आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? अगर हाँ, तो वो है परमेश्वर की सच्ची महिमा। क्योंकि इसी भजन संहिता में जब 28 अध्याय को पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर दाऊद की जो प्रार्थना थी उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और उसके बाद जब उसके जीवन में काम हुआ तब दाऊद यहां 30 अध्याय में परमेश्वर को महिमा दे पा रहा है। उस 28 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 28 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, एक आयत में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर, ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं जो मृतक लोक में चले जाते हैं। यहां पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमेश्वर, मैं जो प्रार्थना करता हूं मुझे अनसुनी मत करो, मेरी प्रार्थना को सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अधोलोक में चला जाऊं, मृत लोक में चला जाऊं। लेकिन जब परमेश्वर ने उस दाऊद की प्रार्थना को सुना और उसके जीवन में काम किया, तब 30 अध्याय के 3 में दाऊद कहता है कि हे यहोवा तूने मेरे प्राणों को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है और कब्र में पड़ने नहीं दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, आपका आराधना, आपकी महिमा जो परमेश्वर को आप देते हैं, क्या उसमें धन्यवाद है? क्या आप इसलिए आराधना करने चर्च में जाते हैं क्योंकि वहां हजारों लोग आराधना कर रहे हैं? क्या आप इसलिए चर्च में आराधना करने जाते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा सिंगर आराधना को लीड करता है? या आप चर्च में इसलिए आराधना कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग जोर जोर से आराधना कर रहे हैं तो आपको भी दिखाने के लिए उनके साथ मिलकर आराधना करना है? अगर ऐसी आराधना आप करने जाते हैं, ऐसी आराधना आप कर रहे हैं, याद रखिए कि ये आराधना परमेश्वर के लिए नहीं है, ये संसारिक आराधना है। और लेकिन अगर आप इसलिए आराधना करते हैं कि एक समय था जब आप पाप में पड़े हुए थे, उस समय परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा, परमेश्वर के लोगों ने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बाद आपने विश्वास किया, अपने पापों से मन फिराया और आपके बुराइयों में से परमेश्वर ने आपको निकाल दिया, उस बात को आप याद रखते हुए आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर को महिमा देने वाली आराधना होती है। जब आप इस बात को याद करते कि मैं एक पापी मनुष्य कभी भी जो स्वर्ग नहीं जा सकता था, उसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, उस पर विश्वास करने के कारण आज मैं उद्धार पाया हूं और यीशु मसीह मेरे खातिर मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, फिर वो मुझे लेने वापस आएगा, इस बात को याद करते हुए जब आप आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, वो महिमा परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, इसीलिए आराधना का महत्व समझना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके चिल्लाना, कूदना, हल्ला मचाना आराधना नहीं है। आज चर्च में क्या हो रहा है? आज चर्च में नाच गाना कूद डांस यही हो रहा है। आज बहुत सारे कलीसियाओं में पास्टर लोगों को नाचने के लिए उत्साहित करते हैं, नाचो नाचो, प्रभु की आत्मा कह रही है अभी नाचो। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। अंदर से अगर आपके अंदर से वो चीजें नहीं आ रही हैं, अगर आत्मा के शब्द आपके अंदर से नहीं है, तो आप किसी के कहने से उछल कूद मचा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। बड़े बड़े लोग हजारों की महफिल करके, बड़े बड़े सिंगर को बुलाकर प्रभु की महिमा करने का दावा करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। परमेश्वर की महिमा आत्मा और हृदय से होना बहुत जरूरी है। तो आपकी आराधना कैसी है? जब आप आराधना करते हैं, क्या आप पिता को ध्यान करते हैं? क्या आपका हृदय धन्यवादित है? आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसके प्रति आप धन्यवाद के साथ आराधना कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप दुनिया को दिखाने वाली आराधना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, जांचना आपको है। ये वचन हमें बताती है कि हमारे जीवन का जो सार है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए इतना जरूरी है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो आपका आराधना का जीवन परमेश्वर को धन्यवादित शब्दों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, अपने जीवन के कार्यों को याद करके प्रभु को नहीं महिमा दे पा रहे हैं, तो आपका जो जीवन है उसका आराधना का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने जीवन को जांचें कि आप आराधना करते समय क्या संसारिक बातों को लेकर आप आराधना कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर की महिमा उसके किए हुए कामों के कारण कर रहे हैं। यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आराधना के विषय में यह वीडियो आप समझ पाए हैं। तो आने वाले समय में अपने आप को जांचिएगा और देखिएगा कि आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, क्या आपका प्रार्थना और जो आपका आराधना का जीवन है उससे परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं है।